मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश की सभी के सभी मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय शासन प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है। अब उन्हें सिलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग के तहत ओली और मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर में गैस प्लांट के लिए आने वाली सीएनजी पर वेट को कम किया गया है। बिजली बनाने वाले प्लांट को वेट में छूट दी गई है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत लगाने वाली मूर्तियों के डिजाइन के लिए INI स्टूडियो को दिया गया है। वहीं उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नमस्कार। आज की कैबिनेट एक रिलेटिवली छोटी कैबिनेट थी, केवल 6 मत थे। उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। वो हाईकोर्ट में चले गए थे और फिर एक समिति बनाई गई जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई। जिस समिति ने कहा कि 75% सिलेबस उनका मिलता जुलता है, इसलिए उनको एलिजिबल किया जाए। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि उन 4 कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एलिजिबल किया जाए।